Hi, today we are going to learn ER diagram for online book database. जब online book database आपको create करना है तो उसमें क्या आपको required होगी, एक तो author हो और जो book है और उस book को publish करने के लिए publisher होना चाहिए. So author, book और publisher can be an entity. तो author एक entity है, तो इसको हम किस में represent करेंगे, rectangle में. फिर बुक एक एंटिटी होगा और एक एंटिटी हम क्या मेंशन कर सकते हैं, पब्लिशर, किसी बुक को जो पब्लिश करते हैं, दैट इज पब्लिशर. ये थ्री एंटिटी हैं. अब ऑथर और बुक में जो रिलेशनशिप है, तो ऑथर राइट्स बुक, ऑथर राइट्स बुक. तो मैंने रिलेशनशिप को ऑथर राइट्स बुक. और कोई भी बुक बिना ऑथर के एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वो किसी न किसी के द्वारा लिखी होनी चाहिए. सो इट्स मीन इट हैज अ टोटल पार्टिसिपेंट. और एम ऑथर कैन राइट एन बुक्स. ठीक है, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर थ्री ऑथर्स हो तो थ्री बुक ही लिखेंगे. तो उसमें हो सकता है थ्री ऑथर फोर बुक लिखें, फोर ऑथर फोर बुक जो है वो टेन ऑथर के द्वारा लिखा हो. इस तरीके से रिलेशनशिप हो सकती है. अब ऑथर के एट्रीब्यूट्स अगर देखें, तो एक तो ऑथर का एट्रीब्यूट हो सकता है ऑथर आईडी, और वो प्राइमरी की भी होगा, तो इसको इस तरीके से ओवल में रिप्रेजेंट करेंगे. ऑथर नेम और ऑथर मोबाइल नंबर ना, इसको फोन लिख देते हैं, क्योंकि फोन नंबर कई वैल्यूज हो सकते हैं, तो इसको ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. फिर बुक के अगर हम एट्रीब्यूट्स देखें, तो बुक में क्या हो सकता है, एक तो आईएसबीएन नंबर, और आईएसबीएन यूनिकली डिटरमाइंड बुक, तो सो इट इज की. और क्या हो सकता है, बुक टाइटल. सो दिस इज ऑल्सो एट्रीब्यूट. बुक की प्राइस भी हो सकती है. बुक पब्लिश्ड बाई सम पब्लिशर, सो इसमें जो रिलेशन होगा दैट इज पब्लिश्ड बाई सम पब्लिशर. तो एक बुक जो है जब भी पब्लिश होगा तो वो किसी न किसी पब्लिशर से अटैच होना चाहिए, इसलिए टोटल पार्टिसिपेंट्स होगा. बट ऐसा जरूरी नहीं कि पब्लिशर हो तो वो बुक पब्लिश ही करे. एंड पब्लिशर के अगर एट्रीब्यूट्स देखें, तो वो क्या हो सकते हैं, एक तो पब्लिशर आईडी, वो की होगा, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और कितने बुक्स ए पब्लिशर पब्लिश किया है. ठीक है, तो बुक पब्लिश्ड. सो अगर हम इसको देखें कि एक कोई पब्लिशर है और एम बुक उसने उससे अटैच है, वन टू एम रिलेशनशिप है, तो कितने एक पब्लिशर ने बुक पब्लिश किया है, वो इन दोनों के रिलेशनशिप से हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो है डिराइव्ड एट्रीब्यूट में काउंट हो जाएगा. और पब्लिशर का अगर कोई फोन नंबर है, ठीक है, फोन नंबर तो होगा ही, तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा. ऐसे पब्लिशर नेम, तो नेम एक सिंगल नेम होगा, तो इसलिए सिंपल एट्रीब्यूट है ये. एक बुक जो है उसे कई एडिशन हो सकते हैं, हो सकता है इंडियन एडिशन हो, तो हैज, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. मान लो एडिशन, तो एडिशन एक एंटिटी हम एज्यूम कर लेते हैं, और ये एडिशन हमेशा जो है डिपेंडेंट है बुक पे, और ये रिलेशनशिप आइडेंटिफाइज रिलेशनशिप है, इसलिए हम इसको डबल उसमें डायमंड्स में लिखेंगे,
वन टू एम एडिशन, एक बुक के कई एडिशन हो सकते हैं, और कोई भी बुक का एडिशन हमेशा बुक एग्जिस्ट करेगा तभी वो एडिशन भी एग्जिस्ट करेगा, इसलिए टोटल पार्टिसिपेंट्स। इसके जो एट्रीब्यूट पार्शियल एट्रीब्यूट एक क्या हो सकता है, एडिशन नंबर, कोई भी एडिशन नंबर हो वो इसका पार्शियल एट्रीब्यूट होगा, तो पार्शियल जो की है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एडिशन टाइप भी हो सकता है, जैसे इंडियन इंटरनेशनल एडिशन। ये ऑथर के साथ रिकर्सिव रिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि एक ऑथर कभी कभी एज अ रिव्यूअर भी वर्क करता है, अगर हम इसे रिव्यू का एक रिलेशन बनाए बुक के साथ, एम इज टू एन होगा, ठीक है, इसमें टोटल पार्टिसिपेंट नहीं होगा, क्योंकि बुक हो सकता है रिव्यू हुआ भी हो और ना भी हुआ हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और इसको एट्रीब्यूट दे सकते हैं रेटिंग, जब भी आप रिव्यू करेंगे तो कुछ रेटिंग देंगे, तो इसको एक एट्रीब्यूट दे सकते हैं रेटिंग। और एक ऑथर कैन एक्ट एज अ रिव्यूअर एज वेल एज ऑथर, तो इसका मेन रिकर्सिव रिलेशन, ये रिकर्सिव रिलेशन को शो करता है, और रिकर्सिव रिलेशन को आप इस तरीके से कर सकते हैं, मान लो इसमें कोई फीडबैक लेना है। सो दिस इज ऑनलाइन बुक डेटाबेस, ईआर मॉडल, ईआर डायग्राम है, और जिसमें लगभग मैंने सारी चीजें इंक्लूड की हैं। थैंक यू।